नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। उत्तराखंड में भी अब लंपी वायरस ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। गौवंशीय पशुओं के घातक रोग लंपी वायरस के प्रदेश में अब तक हजारों मामले सामने आ चुके हैं। वहीं नैनीताल जिले से लंपी वायरस के 3 मामले आने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं हल्द्वानी शहर के गोलापार में भी लंपी वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। अल्मोड़ा के हवालबाग में प्रारंभ समूह के सदस्यों लंपी वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए पशु चिकित्सा से संपर्क कर गांव में मवेशियों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं वैक्सीन लगाने के बाद डॉक्टर वसुंधरा गर्ब्याल ने इस वायरस के बारे में जानकारी दी, साथ ही इसकी रोकथाम के लिए भी तरीके बताए। वहीं लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पशु चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड में है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में अब तक 20,000 से अधिक मामले सामने आ गए हैं, जबकि हरिद्वार और देहरादून में इस वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप देखा जा रहा है। वहीं इस वायरस की चपेट में आने से विभिन्न राज्यों की कई मवेशियों की मौत हो चुकी है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजे न्यूज के साथ। धन्यवाद।